कड़े संघर्ष के बाद 7202 मतों से पिछड़ने के बाद बोकारो के बीजेपी प्रत्याशी बिरिंची नारायण ने हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि बीजेपी को वोट देने वाले सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि हर एक के सुख दुख में उनके साथ रहूंगा और जो विकास के काम अधूरे रहे हैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के विधायक इन कामों को पूरा करेंगे। तो वहीं बिरिंची नारायण ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस विधायक बोकारो स्टील प्लांट में एक एक विस्थापितों को नियोजन दिलाने का काम करेंगे। एक विपक्ष के नाते जो सकारात्मक सहयोग होगा मैं उनको सहयोग करने के लिए भी तैयार हूं। मेरा और विस्थापित बंधुओं का जो संबंध है या ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता का संबंध है वो भाईचारे का संबंध है, वो एक पारिवारिक संबंध मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, विस्थापित क्षेत्र से और जो पिंडरा जोरा मंडल है हमारा या फिर जो मुफसिल मंडल है हमारा, अपेक्षाकृत थोड़े कम मत मिले मुझे। कहता हूँ कि एक विधायक सीधे तौर पर नियोजन दे नहीं सकता है कभी, और मैं कभी झूठ बोलकर वोट नहीं मांगा। मेरी शुभकामना है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक विस्थापित हमारे नौजवान भाई को स्टील प्लांट में नियोजन मिल जाएगा। लोग मुझसे दुखी थे कि मैंने 10 सालों में पंचायत का दर्जा नहीं दिला पाया। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, जीती हुई जनप्रतिनिधि को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिण विस्थापित क्षेत्र को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था वहाँ लागू कराएं। हम आपने कहा था कि पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाऊंगी, तो हमारी शुभकामना है कि आप पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाइए।